जापना ख्वाजा गरीब नवाज के दर से शरबत आया है, तो पहले शरबत पी लेते हैं और फिर रात भर कवाली जारी रहेगी। सिपाहियों, शरबत पेश किया जाए। ये आपके लिए लीजिए। अरे आप भी पीजिए पीजिए पीजिए, बहुत बढ़िया शरबत पीजिए। क्या हुआ? चलिए निकालिए निकालिए। सिपाहियों पकड़ लो इन्हें। सब क्या है बीरबल? जा पना, ये लोग आपको यहां मारने आए। ये जुग्गी मियां, जुग्गी मियां एक मदारी और इनमें एक खास हुनर है जाफर। गुप्ती के चार चार फाले एक साथ अपने पेट में छिपा कर रखते हैं और वक्त आने पर उसे निकालते हैं। और इसी गुप्ती की मुट्ठी यानी कि ये अपने बाजे का हिस्सा बनाकर लाते हैं। हम अभी आपको बता दें, ये रही गुप्ती, ये रही मुट्ठी, ये बन गया हथियार। इस गुप्ती का एक ही वार सामने वाले इंसान का खात्मा हो जाता है। तुम खुद से बताओगे कि किसने तुम्हें यहां भेजा या हम अपना तरीका इस्तेमाल करें? जापना, ये सारा खेल इस मोहतरमा का रचा हुआ। मोहतरमा आगे आएंगे। ये रहा आपका हथियार। अब बताइए जापना को कि ये सब आपने क्यों किया? चाल तो आपने बहुत अच्छी चली थी मोहतरमा, पर आप एक बात भूल गए। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की जान लेना इतना आसान नहीं। जापना, पहली बार हमें इन पर शक तब हुआ जब हमने देखा कि सारा का सारा कुनबा आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं शहजादे, हमारी किस्मत में नहीं होगा आज जहाँ पना से मिलना, हम अगली बार उनसे मिल लेंगे। मोहतरमा, आप अपना ये सामान भूल कर जा रहे हैं। अब ये हमारे बाजे का हिस्सा है, मैं इसे ना हमेशा अपने साथ रखती हूँ, मेरे लिए शुभ है। इस वाकये के बाद जापना हमने इन पर नजर रखना शुरू किया और इनकी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। ये क्या करना चाहते थे, कैसे करना चाहते थे, ये तो हमारी समझ में आ गया जापना, पर ये क्यों ऐसा करना चाहते थे ये अब भी हमारे लिए भी गुत्थी बनी। मोहतरमा बताइए, आप क्यों जापना की जान लेना चाहती थी? हम राजा बलौच की बेटी हैं। ये सारा षड्यंत्र हमने इसलिए रचा क्योंकि हम अपनी वालिद की हार का बदला लेना चाहते थे, मारना चाहते थे आप। काश कि हम एक ऐसे फकीर की बारगाह में ना होते जिसने दुनिया को सिर्फ प्यार करना सिखाया, तो हम आप लोगों का ऐसा हश्र करते कि आप याद रखते।
कायरों की तरह पीठ पर वार करने वालों को हम माफ नहीं करते। आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए ख्वाजा गरीब नवाज का, जिनकी वजह से आज आपकी जान बख्शी जा रही है। जी हाँ, हम आप सबको माफ करते हैं। लड़ाइयों से ना कभी इंसान का भला हुआ है ना इंसानियत का। फिर भी अगर आपको लड़ाई करने का इतना शौक है तो अगली बार सामने से वार करने की हिम्मत रखिए। इस तरह कायरों की तरह पीछे से नहीं जाइए, जरा जल्दी से हमारी नजरों के सामने से हट जाइए। आप सब जा सकते हैं सिवाय मदारी जुग्गी मियां। अपना मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं, माफी तो आपको तब मिलेगी जब अपना हुनर दिखाकर आप हमें खुश करेंगे। जरूर जापाना। आपका हुनर तो कमाल का है। जाइए, हमने आपको माफ किया, माफ तो कर दिया हमने आप पर, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ हिंदुस्तान आइए। आपकी कला के सच्चे कद्रदान आपको वहीं पर मिलेंगे जो आपसे आपकी कला का, आपके हुनर का गलत इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। आइए हिंदुस्तान आइए। जय पनाकी। जय।